नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई, इंडियन रोड्स पर चलने वाले कुछ लोगों की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब वो अपने कार को लेकर निकलते हैं तो उन्हें लगता है सड़क पूरी अपनी है, इस पर जैसे मन हो वैसे गाड़ी चलाओ, ओवर स्पीडिंग करो या फिर रैश ड्राइविंग करो। भाई लोग ये बिल्कुल नहीं सोचते या इनसे ये मतलब नहीं होता है कि जो और लोग इस रोड पर चलते हैं उनको इन सब चीजों से कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर कितना नुकसान होता है, जबकि रोड पर सबका बराबर हक है। आए दिन ना जाने कितने सारे एक्सीडेंट्स रैश ड्राइविंग वाले सामने आते हैं जिसमें सामने वालों का बिना वजह नुकसान होता है। आज फिर से वैसा ही कुछ सामने आ रहा है जिसे हरियाणा से एक व्यूअर ने मुझसे शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। यह एक्सीडेंट रिसेंटली महिंद्रा स्कॉर्पियो और स्कूटी के बीच हरियाणा के भिवानी में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सिंगल रोड पर स्कूटी से एक लेडी अपने बच्चों को लेकर स्कूल से वापस घर की तरफ लौट रही थी, तभी सामने से तेज रफ्तार में एक स्कॉर्पियो आई और स्कूटी को टक्कर मारकर घसीटते हुए सड़क के किनारे लेकर चली गई। यहां पर अनकंट्रोल होने का एग्जैक्ट रीजन सामने नहीं आ पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि गाड़ी की रफ्तार ज्यादा थी जिस वजह से ड्राइवर स्टीयरिंग संभाल नहीं पाया। हालांकि फोटोज में SUV अपने साइड में दिखाई पड़ रही है जिस वजह से पहले लगा शायद स्कूटी रॉन्ग साइड में आ गई हो और यह टक्कर हो गया हो, लेकिन सड़क पर टायर के मार्क्स आप साफ देख सकते हैं, यह एकदम ही राइट से होते हुए लेफ्ट में गया है और इससे पता चल रहा कि गाड़ी अनकंट्रोल होकर इधर आई है फिर अपने साइड में गई है, और ऐसा ही न्यूज वगैरह में भी बताया गया है। हो सकता है ड्राइवर किसी व्हीकल को ओवरटेक कर रहा हो जिस वजह से यह सब हुआ हो, या हो सकता है हद से ज्यादा तेज रफ्तार में इनका कंट्रोल खो गया हो। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, टक्कर काफी भयानक था जिस वजह से स्कूटी काफी बुरी तरह से डैमेज हो गई है। आप देख पा रहे होंगे ये नीचे फंसी हुई है और SUV सड़क से ही इसे अपने साथ घसीटते हुए लाई है। वहीं स्कॉर्पियो के फ्रंट में थोड़ा बहुत नुकसान आया है। बात करें स्कूटी पर बैठी लेडी और बच्चों की, तो उस समय सभी को काफी ज्यादा चोटें आ गई थी और शायद एक्सीडेंट के एक दिन बाद लेडी की डेथ भी हो गई थी। तो भाई, यहाँ आप देख सकते हैं लोग किस तरह अंधाधुंध सड़क पर गाड़ियां दौड़ाते हैं। इनको समझना चाहिए कि सामने वालों के भी जान की कीमत होती है। बाकी न्यूज में ये भी बताया गया है कि लेडी के फैमिली मेंबर्स ने ड्राइवर पर आरोप लगाया है कि वो नशे में थे। हालांकि इस चीज पर एग्जैक्ट कोई रिपोर्ट नहीं है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता है, लेकिन जिसने ये फोटो और वीडियो मुझे सेंड किया है वो स्पॉट पर मौजूद थे और उन्होंने बताया कि ड्राइवर को थोड़ा भी किसी चीज का पछतावा नहीं था। इनफैक्ट वो हंस रहे थे और बदतमीजी से बात कर रहे थे जिस वजह से एक पुलिसमैन ने उन्हें थप्पड़ भी मारा। जो भी हो, पुलिस को कायदे से इसकी जाँच करनी चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए।